हेलो एंड वेलकम टू आर एल आर एक्सेल नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल के अंदर राइट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। सो बेसिकली जो राइट फॉर्मूला होता है वो लेफ्ट फॉर्मूले जैसा ही होता है। यानी कि करता क्या है राइट फॉर्मूला कि अगर आपने एक्सेल के अंदर किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो वो टेक्स्ट कौन से अल्फाबेट से एंड हो रहा है इस चीज को मुझे रिटर्न करता है। यानी कि अगर मान लीजिए मैंने कोई टेक्स्ट के अंदर कोई नाम लिखा हुआ है तो वो नाम कौन से अल्फाबेट पर एंड होकर आ रहा है उस अल्फाबेट को रिटर्न करने का काम आपका राइट फॉर्मूला करता है। तो चलते हैं इसको एक्सेल की शीट के ऊपर और समझते हैं कि राइट फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो उसके लिए मैंने अपनी एक्सेल की शीट के ऊपर मेरे कुछ दोस्तों के नाम लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। और अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि इनमें से हर एक नाम कौन से अल्फाबेट पर एंड हो रहा है तो इस काम के लिए हम राइट फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए टाइप करते हैं इज इक्वल टू आर आई जी एच टी राइट। और जैसे मैंने राइट प्रेस किया ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिप्शन आ जाता है यानी कि आप इस फॉर्मूले का जो यूज कर रहे हैं उसे क्या होगा। और ये डिस्क्रिप्शन तब तक ही रहती है जब तक आप अपने फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट को ओपन ना कर दें। तो देख रहे हैं मैंने अपना फॉर्मूला टाइप किया हुआ है और ब्रैकेट को ओपन नहीं किया हुआ है तभी मेरे सामने एक डिस्क्रिप्शन मैसेज आ रहा है कि रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ अ कैरेक्टर फ्रॉम द एंड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर रिटर्न करेगा या फिर वो अल्फाबेट रिटर्न करेगा किसी टेक्स्ट के अंदर से जहां पर वो एंड हो रहा है। तो हम अपने फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं इसलिए टैब बटन प्रेस करते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला ऑटो कम्प्लीट हो जाए। और उसके बाद जैसे ही हमने फॉर्मूला कम्प्लीट किया तो हमसे सबसे पहले पूछ रहा है टेक्स्ट। यानी कि आप मुझे उस टेक्स्ट के बारे में बताओ जिसको आप चेक करना चाहते हो कि कौन से अल्फाबेट से वो एंड हो रहा है। तो मैं अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं जो कि है यहां पर। और इसके बाद हमसे आगे पूछा है नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि आप और भी इसके अंदर राइट फॉर्मूला यूज कर सकते हो और भी वेरिएशन डालकर। तो इसको मैं अपने अगले एग्जांपल में दिखाता हूं। फिलहाल के लिए मैं करता हूं ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपने जो नाम सिलेक्ट किया हुआ था वो वाई अल्फाबेट पर जाकर एंड हुआ है। तो अगर मैं और भी बाकी सबको देखना चाहता हूँ कि बाकी मेरे जो नाम है वो कौन से अल्फाबेट पर एंड हुए हैं तो मैं उनको क्या करूंगा कि फॉर्मूले को करूंगा कॉपी और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से वहां तक पहुंच जाऊंगा जहां तक मुझे फॉर्मूले को पेस्ट करना है और कर दूंगा कंट्रोल वी। ये देख रहे हैं आप ऑटोमेटिकली इसने मुझे बता दिया कि आपने जो जो नाम सिलेक्ट किए थे वो कौन से अल्फाबेट पर एंड हो रहे हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं उसका एंडिंग अल्फाबेट आपके सेल में है। So, अगर मैं अभी ये भी जानना चाहता हूं कि मेरा ये जो नाम है उसके लास्ट के दो तीन डिजिट मेरे सामने आ जाए तो इसके लिए भी हम राइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं सनी के अंदर लास्ट के तीन अल्फाबेट मेरे सामने आ जाए रिटर्न होकर तो इसके लिए भी हम अपना राइट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। टाइप करते हैं इज इक्वल टू आर आई जी एच टी ब्रैकेट ओपन और टेक्स्ट अपना सिलेक्ट करते हैं जो कि है सनी। उसके बाद कॉमा दबाते हैं। अब कॉमा जैसे ही मैंने दबाया हमें सबसे पहले क्या रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी कि आप मुझे बताओ कि राइट साइड से आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर को लाना चाहते हो पुल करके। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने सेल के अंदर डिफाइन कर रखा है तो मैं सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद मैं ब्रैकेट को क्लोज करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। जैसे ही मैंने ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपने जो नाम सिलेक्ट किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग आप लास्ट के एक अल्फाबेट को पुल करके लाना चाहते थे तो उसने लास्ट के एक अल्फाबेट को पुल करके ले आ दिया। बट अगर आप इसका चेंज और भी बाकी सेल्स के अंदर देखना चाहते हैं तो आप अपने फॉर्मूले को कॉपी पेस्ट कर लो। तो मैं अपने फॉर्मूले को करता हूं कॉपी और शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से प्रेस करते हुए कर देता हूं कंट्रोल वी। ये देख रहे हैं आप जैसे मैंने फॉर्मूले को नीचे पेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि राजेश यादव के अंदर आपको छह अल्फाबेट चाहिए थे लास्ट से तो उसने मुझे छह अल्फाबेट को रिटर्न कर दिया। अगर आप देखें तो यादव के अंदर पांच अल्फाबेट है वाई ए डी ए वी लेकिन इसने क्या किया है कि स्पेस को भी काउंट कर रखा है यानी कि राजेश यादव की जो बीच में स्पेस है उसको काउंट करके ये जो है लेकर आया। अगर मैं यहां पर नंबर ऑफ कैरेक्टर सेवन कर दूंगा तो ये फिर लास्ट में एच स्पेस यादव लिखा हुआ आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप ये होता है राइट फॉर्मूला। इसके लिए आप और भी एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि राइट फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो ये काफी बेहतरीन एग्जाम्पल है और एक अच्छा फॉर्मूला भी है जो कि आपके टेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड है और आपके रिपोर्ट्स को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड जो मिड फॉर्मूला होता है वो कैसे यूज में आता है।
आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।